हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो संबंधित है झारखंड राज्य से। आप सभी ने अभी तक सुन ही लिया होगा, झारखंड के देवगढ़ में जिस तरीके से एक बड़ा रोपवे हादसा सामने आया है, केबल कार या जिसे रोपवे कहा जाता है, उसमें कुछ गड़बड़ी होने के कारण, जिस वजह से जो रोप है, जो केबल है जिसके ऊपर ये ट्रॉली जो है वो मूव करती है, वो केबल जो है वो अपने टॉवर के व्हील से जो है वो उतर गई थी। तो जिस तरीके से एक ट्रेन पटरी से उतरती है, कुछ इस प्रकार का इंसिडेंट यहाँ देखने को मिला है। रोप जो है वो अपने पूरे के पूरे सेटअप जिसमें वो मूव करता है उससे बाहर निकल गई थी, जिस वजह से एक बड़ी दुर्घटना जो है वो सामने आई है। विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyiq.com या studyiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। studyiq के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड SHUB33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट studyiq के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो करीब 40 घंटे तक दोस्तों, संडे से लगातार ये संडे को ये हादसा हुआ है, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो दिन में जारी रहा। करीब 40 घंटे की मशक्कत के बाद करीब 40 से 50 लोगों को बचाया गया है देवगढ़ जिले के इस रोपवे से, जहां पर तीन रोपवे कैरेजेस जो हैं वो आपस में टकरा गई थी, जिसकी वजह से बीच रास्ते में ही रोपवे जो है वो रुक गया था। और इस वजह से करीब 50 के करीब लोग जो उस समय उस रोपवे में मौजूद थे जब ये रोपवे रास्ते में स्टक हो गया, उनको बचाया गया, क्योंकि जमीन से काफी ऊंचाई पर ये रोपवे मौजूद था। इस वजह से भारतीय वायुसेना के दो हेलीकॉप्टर और करीब दर्जन ऑफिशियल्स की मदद जो है वो लेनी पड़ी है, फिर जाकर के लोगों को बचाया गया है। दोस्तों, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये है कि तीन लोग जो हैं उनकी इस हादसे में जान चली गई है, जिसमें से एक जो है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स थे। एक व्यक्ति जिनको जिस समय रेस्क्यू किया जा रहा था भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा, तो रस्सी से हाथ फिसलने के कारण उनकी मृत्यु जो है वो हो गई है। तो एक काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है वो हुआ है, और पिछले 40 घंटों के करीब से लोग जो है बीच आसमान में, आप समझ सकते हैं, कई सौ फीट की ऊंचाई पर जमीन से इन रोप वेज के बीच में फंसे हुए थे। ना उनके पास खाने की व्यवस्था थी, ना उनके पास कोई पीने के पानी की व्यवस्था थी, छोटे बच्चे वहां पर मौजूद थे, तो काफी एक सीरियस सिचुएशन जो है वो यहां पर पैदा हो गई थी। दरअसल 10 अप्रैल को ये हादसा हुआ, जब दो केबल कार्स, दो कैरियर जो है रोप वे के, वो आपस में टकरा गए, और उसके बाद पूरा का पूरा रोप वे जो है वो रुक गया। ये जो हादसा है ये त्रिकुट हिल्स का है, जो कि झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। दोस्तों, ये तस्वीर जो है आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से काफी ऊंचाई पर, भारत के सबसे ऊंचे रोपवेज में से एक जो है इसको माना जाता है, और इस रोपवे का बीच में एकाएक रुक जाना, आप ये देख पा रहे हैं, हजारों फीट की ऊंचाई पर ये रोप जो कैरियर्स है इसमें लोग मौजूद थे, और दोस्तों करीब 40 घंटे से ज्यादा समय के लिए लोग यहीं पर फंसे हुए थे। ना खाने की कोई व्यवस्था थी, ना पीने का पानी था। तो इस सिचुएशन में लोग जो है किस तरीके से, किस हद तक डरे होंगे, दिन रात जो है उन्होंने यहां पर गुजारे हैं। तो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद जो है वो ली गई, फिर भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों इन रोपवे से लोगों को निकाल करके हेलीकॉप्टर तक लाना भी जो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान एक व्यक्ति जिनको रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर तक लाया जा रहा था, उनके जो ग्रिप है वो ढीली पड़ गई, उनसे उन व्यक्ति का कंट्रोल जो है वो छूट गया, और वो उन व्यक्ति की मृत्यु जो है वो हो गई। तो झारखंड टूरिज्म विभाग की अगर माने तो भारत का हाईएस्ट वर्टिकल रोपवे है ये त्रिकुट रोपवे, जो कि 766 मीटर लंबा है। 50 से 60 लोग वहां पे स्टक थे ऐसा बताया जा रहा है। दो केबल कार्स के बीच में कोलिजन हुई, एक टेक्निकल स्नैक जो है वो आ गया था। जो अधिकारी हैं इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के, उनका उन्होंने जिस प्रकार बताया है कि रस्सी जो है वो अपने टॉवर से खिसक गई थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। भारतीय वायुसेना को बुलाना पड़ा, इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ। संडे को ही रेस्क्यू ऑपरेशन, संडे को एक्सीडेंट होता है, मंडे को रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाता है। मंडे पूरा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, उसके बाद रात के समय में रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो रोकना पड़ता है, क्योंकि ये इलाका जो है वो डेंसली फॉरेस्टेड है, चारों ओर पहाड़ियां हैं, जंगल हैं, जिस वजह से
रेस्क्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ हवाई मार्ग से हेलीकॉप्टर की मदद से किया जा सकता था, लेकिन सनसेट के बाद क्योंकि पहाड़ियां हैं, पेड़ आदि हैं, तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाना भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के लिए संभव नहीं था, जिस वजह से सोमवार का दिन और मंगलवार जाकर के सभी लोग जो है इनको यहाँ पे रेस्क्यू किया जा सका है। रेस्क्यू एफर्ट जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, क्योंकि जमीन से रेस्क्यू करना जो है वो पॉसिबल नहीं था। 1500 फीट की ऊंचाई पर ये पूरा का पूरा रोपवे जो है वो मौजूद था। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर हम एक 11 से 12 मंजिल की बिल्डिंग की बात करें, 12 माले की अगर एक बिल्डिंग होती है तो उसकी हाइट जो है वो करीब 110 से 120 फीट के बीच हो सकती है या 150 फीट के बीच हो सकती है, लेकिन यहां पर ये रोपवे जो है वो जमीन से 1500 फीट 1500 फीट ऊंचा था। आप एक 10 से 12 माले की बिल्डिंग के छत पे खड़े होते हैं और आप देख पाते हैं कि कितनी ऊंचाई पर आप खड़े हैं। आप इमेजिन कर लीजिए कि वैसे ही 10 गुना ज्यादा हाइट पर ये लोग फंसे हुए थे, और कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए नहीं, करीब 40 घंटे तक बिना पानी बिना खाने के ये लोग वहां पर फंसे रहे। रेस्क्यू पैसेंजर्स जो हैं उनको एयरलिफ्ट करके भारतीय वायुसेना के द्वारा एयरलिफ्ट उनको किया गया, और जो लोग वहां पर फंसे रहे जिनको इवैक्यूएट अभी तक नहीं किया गया था मंडे शाम तक, उनके लिए ड्रोन्स के माध्यम से पानी और खाने की व्यवस्था की गई, क्योंकि वो लोग रास्ते में फंसे हुए थे, उन तक पानी और खाना जो है वो ड्रोन्स के माध्यम से पहुंचाया गया। ये एरिया जो है ये त्रिकुट हिल्स जो है ये दरअसल त्रिकुटाचल महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये त्रिकुट हिल्स में देवनंद सेज के एक मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर त्रिकुट हिल्स के जैसी बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। हाईएस्ट पीक जो है वो करीब 2470 फीट की ऊंचाई पर है, करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर ये रोपवे जो है वो ग्राउंड से मौजूद था। यहां पर क्योंकि रिलीजियस प्लेस है तो काफी सारे लोग जो है वो यहां पर जाते हैं। दोस्तों ये त्रिकुट रोपवे जो है 700 मीटर से ज्यादा की ये लेंथ थी, ये पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है काफी हाई एल्टीट्यूड पर ये रोपवे जो है वो जाता था, और पहाड़ों के बीच में ये रोपवे जो है वो मौजूद है। ये एरिया, ये त्रिकुट हिल जो है ये ओरिजिन पॉइंट है रिवर मयूराक्षी का। मयूराक्षी शब्द का अर्थ होता है मोर की आंख, तो एक प्रसिद्ध नदी मयूराक्षी जो है वो यहां से निकलती है, वो इस फेमस शिव टेम्पल के पास से होकर के गुजरती है। इस मंदिर जिसे त्रिकुटाचल महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां तक पहुंचने के लिए ये रोपवे बनाया गया है। मयूराक्षी टेम्पल जो है वो एक मेजर रिवर है झारखंड का, जो झारखंड और वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है। इस रिवर की भी एक अपनी हिस्ट्री रही है, डिवास्टेटिंग फ्लड्स, काफी बाढ़ का सामना जो है वो इस रिवर ने किया है। ये नदी जो है वो झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल के बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिले से होकर होती हुई हुगली रिवर में जाके मिल जाती है। करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करती है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक बड़ा हादसा जो है वो यहां पर देखने को मिला है। इस हादसे की हालांकि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने एक हाई लेवल प्रोब, एक उच्च स्तरीय जांच की घोषणा कर दी है कि यह हादसा कैसे हुआ, कैसे यह पूरा का पूरा एक्सीडेंट जो है, इसका क्या वजह थी, क्या कारण था, इसकी जांच जो है उच्च स्तरीय तरीके से कराई जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है। लेकिन दोस्तों जांच कराना जो है वो एक अलग चीज है, लेकिन 3 लोगों की जान जो है वो यहां पर चली गई है। दोस्तों ये मैटर जो है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट होता है रोपवे के अंदर। दोस्तों ये रोपवे जो है ये एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम से जुड़े हुए हैं, शायद आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों पर्वतमाला स्कीम, हमने कुछ दिन पहले इस योजना की बात करी थी। दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में एक्सेस, लोगों के आने जाने की आवाजाही को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2022-23 वित्त वर्ष में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पर्वतमाला की बात करी। पर्वतमाला कहती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरीके के केबल कार्स, रोपवेज बनाए जाएंगे जिससे लोगों की आवाजाही जो है आसान हो सके। जब इस प्रकार की एक घटना होती है तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ये उस दायरे में आ जाता है कि क्या इस प्रकार की परियोजना सेफ होगी। दोस्तों ये एग्जैक्ट विजुअल्स है, जो तस्वीरें इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के दौरान सामने आई। इस तरीके से 1500 फीट की ऊंचाई पर लोगों को इस तरीके से रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति है तो आप समझ सकते हैं कि क्या उनकी मानसिक स्थिति रही होगी। तो एक बड़ा सवालिया निशान यहां पर खड़ा हो जाता है पर्वतमाला स्कीम को लेकर के, कि क्या एक लार्ज स्केल पर पर्वतमाला स्कीम को इंप्लीमेंट करना सही रहेगा जब ऐसी एक दुर्घटना जो है वो हमारे सामने हो रही है। तो दरअसल पर्वतमाला स्कीम की अगर हम बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने 2022-23 वित्त वर्ष में नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला की घोषणा करी थी। दोस्तों सरकार जो है वो कनेक्टिविटी को अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इसी दिशा में सरकार ने सड़क मार्ग में भारतमाला परियोजना की शुरुआत की, पोर्ट्स को, बंदरगाहों को बेहतर बनाने के लिए सागरमाला परियोजना की शुरुआत करी, और उसी की तर्ज पर
2022-23 के बजट में पर्वतमाला की घोषणा की गई। जितने भी दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, खास करके पूर्वोत्तर के राज्य और हिमालयन स्टेट जितने भी हैं, वहां पर आवाजाही को आसान बनाने के लिए, क्योंकि माउंटेनियस टेरेन है, सड़क बनाना मुश्किल है, हवाई मार्ग जो है वो हर जगह पॉसिबल नहीं है, वो हर आदमी की रीच में नहीं है, तो लोगों की आवाजाही के लिए इस तरीके के रोपवे जो है वो एक इजिएस्ट पॉसिबल वे जो है वो सरकार को लगा है। हालांकि इसको बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन प्रैक्टिकल जब इसकी इंप्लीमेंटेशन है तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा। इस उद्देश्य के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, लेकिन जब एक इतना बड़ा हादसा सामने आता है तो ये पर्वतमाला जो है कहीं ना कहीं इसको दोबारा से रीथिंक करना होगा। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत यह है, अनडाउटेडली प्रोजेक्ट बहुत एम्बिशियस है, लेकिन इस हादसे से हमको, इस एक्सीडेंट से ये सीख मिलती है कि हमको किस तरीके से और ज्यादा सेफ जो है वो इस सिस्टम को बनाना होगा, ताकि ऐसी अगर कोई घटना भविष्य में घटती है तो कैसे उससे हम बच सकते हैं या कैसे लोगों की जान जो है वो बचाई जा सकती है। उद्देश्य इस पर्वतमाला योजना का ये था कि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, पहाड़ी इलाकों में लोगों की आवाजाही, कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर हो सके, कन्वीनियंट तरीके से लोग ट्रेवल कर सके। पहाड़ी इलाके क्योंकि छोटे छोटे एरियाज में बसे हैं, तो यहां पर अर्बन कंजेशन जो है उसको कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि सड़क मार्ग से ना जाकर के अब इस प्रकार के रोपवे से जो है वो जाना सही रहेगा। ये काफी सारे फीचर्स जो है इस पर्वतमाला योजना के हैं। इसको प्रेजेंटली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो कि हिमालयन स्टेट्स है, वहां सभी जगह पे इंप्लीमेंट इसको किया जा रहा था। लेकिन पर्वतमाला स्कीम अनडाउटेडली बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। 2022-23 के बजट में नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको पर्वतमाला कहा गया, इसकी घोषणा हुई। उद्देश्य यह है कि इन रोपवेज के माध्यम से पहाड़ी इलाकों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सके, लेकिन यहां पर सेफ्टी जो है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट ऐसा है जिसने शायद सभी को एक किसी के लिए भी ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। दोस्तों ऐसी चीजें जो है वो नॉर्मली मूवीज के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन आप इमेजिन करिए उन लोगों की सिचुएशन जो 40 घंटों तक जमीन से 1500 फीट की ऊंचाई पर फंसे रहे, रात दिन का समय उन्होंने वहां पर गुजारा, कोई खाने के प्रबंध नहीं, कोई पीने की व्यवस्था नहीं। तो इन सभी चीजों को इस एक्सीडेंट से सीख लेते हुए हमको इस पूरे के पूरे रोपवे प्रोजेक्ट में सेफ्टी फीचर्स जो है उनको ऐड करना होगा, ताकि भविष्य में, क्योंकि टेक्निकल स्नैग है, टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, कभी भी आ सकती है, तो ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम में, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी फेलियर अगर होता है तो किस तरीके से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, और ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये जो अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रेवल है इसको ज्यादा से ज्यादा सेफर बनाया जा सके। क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट जो है, अनडाउटेडली ये प्रोजेक्ट कितना भी एम्बिशियस हो, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से एक भी ह्यूमन लाइफ जो है अगर वो जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर पूरा का पूरा एसेंस जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का नल एंड वॉइड हो जाता है। तो लोगों की सहूलियत के लिए परियोजनाएं होती हैं, अगर उनके लिए वो खतरा बन जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत जो है वो सामने आती है। इस वजह से यहां पर सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो सेफ्टी का रहने वाला है। शायद सरकार भी इस पूरे के पूरी परियोजना में अब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट, और ज्यादा स्ट्रिंजेंट करेगी, सो दैट भविष्य में ऐसी किसी घटना में, ऐसे किसी टेक्निकल फेलियर में किसी भी व्यक्ति की जान जो है वो जोखिम में ना आ पाए। आई होप दोस्तों विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ पाए होंगे। झारखंड राज्य में रोपवे हादसे के वजह से हम इस पर्वतमाला योजना के बारे में यहां पर बात कर रहे थे। आई होप हम विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों आप सिविल सर्विसेज के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में आप इन्वॉल्व है, स्टडी आई क्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। स्टडी आई क्यू के किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए आप ये कोड SHUBH33, इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आई क्यू पर पा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।